आप देख रहे हैं NRK24 न्यूज। भवानी नगर पुलिस ने गांजा स्मगलिंग करने के इल्जाम में अलमदार और मजर नामी दो फेक रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इन रिपोर्टर्स के पास से तकरीबन 20 ग्राम गांजा, न्यूज चैनल के आईडी कार्ड्स और एक बाइक जब्त कर ली। भवानी नगर SHO अमजद अली ने इस केस की सारी तफसीलात बताई। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कल 19 जनवरी 2023 शाम में 7:15 को शेख एजाज नामी शख्स एक गाड़ी के साथ पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट लॉन्च करें। उनकी कंप्लेंट में उन्होंने ये मेंशन करें कि 19 के दिन सुबह 4:15 के टाइम वो गजब घर के पास थे, उनके घर के आसपास ठहरे हुए थे, तो कोई दो शख्स जो उनको ऑलरेडी पहचानत के हैं, उनमें एक का नाम अजहर है और एक का नाम अलमदार, ये दो पर्सनस वो गाड़ी पर आके इनको गांजा बेचने की कोशिश करें। जब इन्होंने ख़रीदना चाहे तो इनको चाकू से डराए, बल्कि कंप्लेंट है वो। जब इन्होंने इनके भाई के साथ उनको पकड़ने की कोशिश करते वो गाड़ी वहीं पे छोड़ के भाग गए उन लोग। तो वो गाड़ी के साथ उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके कल 7:15 शाम में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर हुआ। FIR रजिस्टर होने के साथ ही तहकीकात शुरू करें हम लोग। उसके अंदर जो अफराद हैं उन दोनों को भी हम कस्टडी में लिए कल। तो दौरान कस्टडी उनके पास से जो गाड़ी बरामद हुई थी, वो गाड़ी के अंदर थोड़े मीडिया के कार्ड्स और एक पैकेट गांजे के छोटी पैकेट मिली, और जो शख्स जो उसमें से कलमदार बोल के है उसके पास से भी एक गांजे की पैकेट मिली, और गाड़ी के अंदर एक नाइफ भी हमको बरामद हुई। तो इस बेसिस पे वो दोनों को जब इनिशियली ऑफेंस प्रूव हुआ तो हम इनको लीगली अरेस्ट कर दिए हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको, और बाकी के तफसीलात इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होते हैं। उसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है। इसके अंदर जो अलमदार नाम का शख्स है उसका उसके मुताबिक वो घोड़े की खबर के पास से एक कोई आदमी बेचता वहाँ पे बोल के बताया था, उसके ऊपर भी हम वो कर रहे हैं। हाँ, इनके और इनके मिसेस के बीच में डिस्प्यूट था, उसके ऊपर एक ऑलरेडी केस रजिस्टर हुआ, उन्होंने कोर्ट से बेल भी लिए थे, वो एक केस है पुराना। मीडिया से किसका ताल्लुक है साहब दोनों के? ये मजहर जो है उन्होंने MTS नाम का चैनल चलाते हैं, वो चैनल के आड़ में रात भर फिरते रहते हैं। अगर कोई पेट्रोलिंग गाड़ी या कोई कांस्टेबल उनको रात में रोके तो भी मैं मीडिया का पर्सन हूँ, मीडिया न्यूज़ कवरेज करके लिए फिर रहा हूँ बोल के रात भर फिरते रहते हैं उन्होंने। उनके साथ ये बच्चा अलमदार भी उनकी गाड़ी पे, वो जो गाड़ी है जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो मजहर की गाड़ी है बोल के मालूम हुआ अभी। बाकी के दीगर तफसीलात इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होता है। अलमदार किस मुकाम में रहते हैं? अलमदार भी तालाब कट्टी के रहने वाले हैं और मजहर भी तालाब कट्टी के रहने वाले। बीच में कुछ वक्फे के लिए मजहर मोगलपुरा लिमिट्स में किराए से घर लिए थे, फिर वापस कट्टे में घर लिए बोल के मालूम हुआ। उनके भाई लोग भी इधर ही रहते नीचे। अलमदार की भी कोई एक्टिविटीज इससे पहले तो कुछ भी फिलहाल तो कुछ भी एक्टिविटीज उनके नहमाल हुए, बर वो गांजा एडिक्ट है अलमदार, गांजे के छोटे छोटे पैकेट्स लेके आके खुद पीते, और एरिया में जो भी एडिक्ट है उनको चोरी छुपे रातों में बेचते। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ चैनल को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।